सो अपनी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जॉब कॉस्टिंग के बारे में, जॉब कॉस्टिंग का कंसेप्ट, उसका यूज़, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट जॉब कॉस्टिंग इन टेली आर पी 9। एंड हमने एक लाइव एग्जांपल भी किया था ये वाला, जिसमें हमें 20 न्यू कंप्यूटर्स बनाने थे आईबीपी हाउस यूपी के लिए। उसके लिए हमने दो प्रोफेशनल हायर किए थे एंड रॉ मटेरियल्स परचेज करे थे, जिसे हमने पटेल नगर गोडाउन में देन डाला था। उसके बाद हमने वह रॉ मटेरियल्स को डिस्पैच किया था एक पर्टिकुलर गोडाउन में असेंबल करने के लिए। देन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए थे 1100, एज यू कैन सी। टिफिन एक्सपेंसेस पे किए थे हायर्ड प्रोफेशनल्स के 150 रुपीज़ पर डे। देन ये सब कुछ हो जाने के बाद 45,000 रुपीज़ पर पीसी हमें चार्ज करना है आईबीपी लिमिटेड पे विद दिस बिल नंबर, एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹7,000 पर पीसी। एएमसी फीस हम पूरे साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लेंगे आईबीपी लिमिटेड से। सो ये सब हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक और डीपर लेवल जॉब कॉस्टिंग का, जिसके तहत आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ही नहीं होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टेली आर पी 9 पर जाएंगे एंड आपको अभी यहाँ तक काम करना है, अपना परचेस करनी है। एज यू कैन सी मैंने परचेस कर रखी है विद दिस बिल नंबर। सप्लायर मेरा है ESSB टेक्नोलॉजीज एंड परचेस लेजर को आपको एज यू नो प्रोजेक्ट आईबीपी से लिंक करना है, लिख कर भी और कॉल सेंटर से भी। उसके बाद आप ये सब परचेस कर लेंगे और पटेल नगर में डालेंगे। ये सब चीज़ें आपको पटेल नगर में डालनी है। इसके बाद द नरेशन बीइंग रॉ मटेरियल परचेस्ड फॉर प्रोजेक्ट आईबीपी, इसका इफेक्ट आपको देखना है, मैंने आपको बताया था। स्टॉक समरी पे जाना है एंड F12 आप प्रेस करेंगे और कंट्रोल एंड दबाकर सबसे नीचे आ सकते हैं। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका किस गोडाउन में माल पड़ा हुआ है। देन आपको क्या डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री जॉब वर्क एनालिसिस पे जाना है, वहाँ पे मिलेगा आपको प्रोजेक्ट आईबीपी। देन आपको इन्वर्ट्स पे एंटर दबाना है तो आपको पता चलेगा कि पटेल नगर में आपके पास माल आया है और क्लोजिंग वैल्यू भी वही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक यही दिख रहा है। और ये खर्चों की मैं एंट्री कर चुका हूँ, ऑल टैप वन से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वही खर्चे हैं जिनकी एंट्री हमें आती है। तो अब तक हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी है 14,700। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल तो है। अब हमें उसे ट्रांसफ़र करना है एक पर्टिकुलर गोडाउन में, देन हम उसे असेंबल करने के लिए कंज्यूम करेंगे। सो इसके लिए वाउचर टाइप्स पे जाकर ऑल्टर देन स्टॉक जनरल, और यहाँ पर आपको दो वाउचर क्लास जैसे कि मैंने कहा था बनानी होती है और ये ऑप्शन इनेबल कर रखने पड़ते हैं जिससे कि आप इसको जॉब कॉस्टिंग के लिए यूज़ कर सकें। सो अब इसके बाद इन्वेंट्री वाउचर्स पे आपको जाना है, ऑल्ट F7 दबाना है एंड ट्रांसफ़र वाली वाउचर क्लास लेनी है जिससे कि आप ट्रांसफ़र कर सकें अपने रॉ मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर गोडाउन में असेंबल यानी कि कंजम्पशन करने के लिए। सो डेस्टिनेशन गोडाउन इज़ गोइंग टू बी योर प्रीत विहार। प्रीत विहार वो गोडाउन होगा जो कि डेस्टिनेशन गोडाउन होगा जहाँ पर आप गुड्स को यानी कि रॉ मटेरियल्स को कंज्यूम करेंगे। सो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है डेस्टिनेशन गोडाउन प्रीत विहार ध्यान से, एंड देन एक एक करके आप नेम ऑफ आइटम लेंगे। 15-inch मोनिटर स्पेस दबाइए, पटेल नगर लीजिए 20 पीसेस, देन नेक्स्ट कैबिनेट रैम, ये सब कुछ आपको डालना है प्रीत विहार के अंदर। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कीबोर्ड एंड लास्ट बट नॉट इन लीस्ट माउस। नरेशन बीइंग रॉ मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फॉर कंजम्पशन। सो यहाँ पर हमने क्या करा, अपने जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं पटेल नगर से प्रीत विहार में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। एंटर, तुरंत हमें जाना है स्टॉक समरी में इफ़ेक्ट देखने
F12 कंट्रोल एंड इनेबल दिस ऑप्शन। तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हमारे क्या प्रीतिवेयर में आ चुके हैं? हाँ आ चुके हैं। इससे मेरे को अपनी एक एंट्री का भी क्लैरिफिकेशन हो गया कि मेरी एंट्री बिल्कुल सही हुई है। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट IBP। यहाँ पर अब आप देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप इन्वर्ट्स पे एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पटेल नगर में पहले इन्वर्ट हुआ था परचेज करते वक्त, इस एंट्री की वजह से पटेल नगर से हुआ आउटवर्ड तो अदर ट्रांसफ़र में आ रहा है, एंड प्रीत विहार में हुआ इन्वर्ट तो इसलिए यहाँ पर इन्वर्ट में दिखा रहा है। और क्लोजिंग वैल्यू हमारी बन रही है 358,500 जो कि प्रीत विहार की है। अगर आप कभी भी इस रिपोर्ट में कन्फ्यूज़ हो तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको रियलिटी को पकड़ना है, रियलिटी क्लोजिंग वैल्यू है। तो क्लोजिंग वैल्यू जिस पर्टिकुलर गोडाउन के लिए दिखेगी उस गोडाउन में माल पक्का होगा। तो ये क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है माई डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आपको बताना चाह रहा है कि पहले स्टॉक यहाँ पे था, देन वो लोकेट होके यहाँ आया, देन वो लोकेट होके यहाँ आया। यही हुआ है जॉब कॉस्टिंग। देन अब तक हमारी कॉस्टिंग 14,700 ही है। अब हमें एस्केप करके पीछे जाना है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, नेक्स्ट स्टेप हमें ऑल्ट F7 दबा के कंजम्पशन करना है। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम जो किया था वही करेंगे हम इस बार भी। 15 इंच मॉनिटर को हम कंज्यूम करेंगे प्रीत विहार से 20 पीसेस, ये हमने कंज्यूम कर लिया है। देन कैबिनेट को भी हम कंज्यूम कर लेंगे प्रोजेक्ट के लिए, रैम को भी। देन नेक्स्ट वन इज कॉम्बो ड्राइव, देन हार्ड डिस्क को भी। नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड एंड लास्ट बट नॉट इन लीस्ट माउस स्क्रॉल, डन। देन यहाँ पर हमने क्या किया था, असेंबल्ड पीसी लिया था लास्ट टाइम में, पर इस बार आप कुछ नहीं लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस डीप कंसेप्ट। सो बीइंग रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड फॉर असेंबलिंग ऑफ पीसी, दैट्स इट। तो यहाँ पर सारे के सारे जो प्रीत विहार के अंदर जितना भी हमारा मटेरियल था वो सब कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। दैट्स इट, सेव कर दीजिए स्क्रीन को। देन स्टॉक समरी में आप जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, एंड देन आपको जाना है डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट IBP। तो यहाँ पर आपका कंजम्पशन आपको दिख रहा है 358,500 रुपीज़। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वाउचर क्लास यूज़ करी थी स्टॉक जर्नल के अंदर जिसका नाम था कंजम्पशन। देन यहाँ पर सेम वही हालत है अभी, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ है कि पहले था पटेल नगर में इन्वर्ट, देन वहाँ से हुआ था ट्रांसफ़र, तो आया था प्रीत विहार में, और प्रीत विहार में अब कंजम्पशन हो चुका है तो क्लोजिंग वैल्यू अब कुछ नहीं है। अब लास्ट क्या रहता है, हमें दिखाना हमारी रेवेन्यू, यानी कि हमें इनकम कितनी हुई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी है, 373,200 रुपीज़। सो अब हमें पीछे जाकर इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाना है, F8 दबाना है, एंड देन सेल्स लेना है। तो सेल्स का जो बिल नंबर है वो क्या है यहाँ पर, वो ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट V। देन मैंने इस कस्टमर को सेल करी जिसका नाम है IBP लिमिटेड, जिसके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। सेल्स का लेजर, सेल्स प्रोजेक्ट IBP, स्पेस दबाकर आपको क्या बेचना है, आपको असेंबल्ड PC नहीं बेचना है, आपको यह एंट्री अकाउंटिंग मोड में करनी है, दैट्स इट। ये एंट्री जब आप अकाउंटिंग मोड में करेंगे तो रिमेंबर दैट वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपको उसे क्या क्या चीज़ें देनी है या नहीं देनी है। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 45,000 रुपीज़ पर PC एंड 7,000 रुपीज़ पर PC। सो ऑल्ट सी यहाँ पर हम दबाएंगे, 45,000 रुपीज़ पर PC के लिए चार्ज हो रहा है, तो टोटल 20 PCs थे प्लस 7,000 रुपीज़ पर PC, वो भी 20 PCs के लिए थे, एंटर, तो 10,40,000 रुपये आ जाएगा। 10,40,000 रुपये आने के बाद क्रेडिट में आपको सेल्स लेना है और कंट्रोल एंटर दबा के इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने अकाउंटिंग लेवल पे सेल करके दिखा दी।
इसके बाद मुझे सेल्स में कितना दिखाना है, 45,000 इंटू 20, यानी कि 45,000 रुपये का एक पीसी, और मैं 20 पीसीज बेच रहा हूँ तो 9 लाख रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख रुपीज़, एंटर। और यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट IBP। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आ जाएगा, ये वो मेंटेनेंस चार्ज है जो हम लेते हैं जब हम पीसीज को बेच रहे हैं, एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कि हम 1 साल तक आपके पीसी की रिपेयरिंग करेंगे और उसमें जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे लिए इनकम होगी 1,40,000 की। इसको भी हम अपने प्रोजेक्ट से लिंक करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट की ही इनकम है। जैसे प्रोजेक्ट में हम खर्चों को लिंक करते थे इस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से, वैसे इनकम को भी करेंगे। दैट्स वाई वी यूज़ कॉस्ट सेंटर। प्रोजेक्ट IBP बींग सोल्ड प्रोजेक्ट टू IBP, ये है हमारा वो सेल्स जो कि हमने एक अकाउंटिंग मोड में की है। ध्यान से एक बार देख लीजिए एंट्री को पॉज करते हुए, और इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको इफ़ेक्ट पता चलता रहे। और एक चीज़ और कि इसमें इफ़ेक्ट नहीं आ रहा न्यू रेफरेंस का, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर सेल्स के टाइम में हमें नंबर दोबारा डालना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस पर जाऊँगा, टैली में कॉपी करने के लिए दबाते हैं हम Ctrl+Alt+C एंड पेस्ट करने के लिए दबाते हैं हम Ctrl+Alt+V। दैट्स इट, डन। तो मेरी सेल्स हो चुकी है। अब ज़रा देखते हैं एक बार बैलेंस शीट में इफेक्ट को। सन्डरी क्रेडिटर्स अभी भी 3,58,500 के हैं, सन्डरी डेटर्स मेरे 10,40,000 रुपीज़ के हैं। सो अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट IBP। दैट्स इट गाइस, डन। तो इस बार जब मैंने अकाउंटिंग लेवल पे सेल्स करी तो वही हुआ, इन्वेंट्री लेवल पे मैंने सेल्स नहीं करी, इसमें बस नया यही था। एंड अब इन्वर्ट्स में जाकर हम एंटर करेंगे तो वही रिपोर्ट आ रही है पहले वाली, और ये 9 लाख रुपीज़ मेरी सेल्स है, ये मेरे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मेरी इनकम है जो मैं ले रहा हूँ उससे, 10,40,000 रुपीज़ मेरा रेवेन्यू है, एंड मेरी कॉस्ट है टोटल 3,73,200 रुपीज़। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते या नहीं समझ पा रहे तो F12 दबा के आप डिटेल्ड करिए, परसेंटेजेस वाले ऑप्शन को इनेबल कीजिए, क्योंकि परसेंटेजेस में हम अच्छे से समझ पाते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो अगर मैं बात करूँ 100% अगर हमारी रेवेन्यू है तो उसमें 86.54% हमारी सेल्स की इनकम है यानी कि रेवेन्यू है, एंड 13.46% हमारी इनडायरेक्ट इनकम है जो कि डायरेक्ट नहीं है। जहाँ तक मैं कॉस्ट की बात करूँ, 100% के अगेंस्ट जो कॉस्ट है उसमें हमने 34.47% तो कंज्यूम किया है प्रोडक्शन के लिए, 1.36% हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली ट्रेसेबल रूप में लगी है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम बोलते हैं ट्रेसेबल, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं वो कॉस्ट, कैरिज इन वर्ड एंड वेजेस। एंड 0.06% ये वो कॉस्ट है जो इनडायरेक्ट है, जो अनट्रेसेबल है, जिसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। सो 100% में से जब आप माइनस करेंगे 34.89% जो टोटल कॉस्टिंग है, तो बचेगा 64.11%, यानी कि आपने 100% इनकम के तहत केवल और केवल कॉस्टिंग आपकी आई 35.89%। दैट्स वाई पीपल गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसी वजह से कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। दे अर्नड 64.11%, माई गॉड। सो अगर आपको इस रिपोर्ट का प्रिंट लेना है तो आप Alt+P दबाएंगे, विद प्रिंट प्रीव्यू को इनेबल कर देंगे एंड देन येस। सो अभी अनेबल टू सेट प्रिंटर, तो एक बार इसे जरा हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं, एक्सपोर्ट करके शायद आ जाना चाहिए। कम ऑन, इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा हमारी रिपोर्ट, हम रन कमांड से वहां जाते हैं। सो ये हमारी जॉब वर्क एनालिसिस, जिसके लिए हमने इतना वर्क किया, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ हमें सब कुछ दिखा रहा है, इसको हम प्रिंट आउट के रूप में लेकर रिपोर्टिंग दे सकते हैं एंड अकाउंटेबल हो सकते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। इतना टफ़ भी नहीं है जॉब कॉस्टिंग जितना लोग समझते हैं, बस हमें कंसेप्ट के हिसाब से चलना था। जो भी कंसेप्ट मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा रखे हैं उनको आप ज़रा यूज़ कीजिए, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सेल में ले जाने की कोशिश करूँगा, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।